हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक पंजाबी फूड रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कश्मीरी दम आलू की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम आप बना के आपको दिखाएंगे। कश्मीरी दम आलू बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, आप हमारी रेसिपी के अनुसार बनाएं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है दम आलू की। अगर आपको हमारे दम आलू बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं दम आलू बनाने की तरफ। कश्मीरी दम आलू, जी हाँ, कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है और इसको एक टूथपिक से इस तरह से सारे आलू को जो है वो हम गोद लेंगे। चाहे तो आप फॉर्क से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इससे जो है मसाले जो हैं आलू के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस तरह से सारे आलू को हम टूथपिक से इस तरह से गोद लेंगे। जी, आलू हमारे सारे हो गए हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं। देखिए, दो बड़े मैंने प्याज लिए हैं, इसको मैंने मोटा काट लिया है। तीन चार अदरक के टुकड़े लिए हैं, लहसुन लिया है और टमाटर लिया है, इसको भी मैंने मोटा काट लिया है। दालचीनी ली है मैंने, दो सफ़ेद इलायची ली हैं, पांच छह मैंने लौंग लिए हैं। मसालों में मैं यूज़ करूँगी आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा। यहाँ पे मैंने जीरा रोस्ट करके पीस लिया है, मैं आधा चम्मच ये यूज़ करूँगी। काली मिर्च मैंने इसको पीस लिया है और ये धनिया पाउडर है, तीनों में यूज़ करूँगी। ये दो टेबलस्पून दही है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, इसमें से मैं आधा यूज़ करूँगी। ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, इसे मैं यूज़ करूँगी दम आलू बनाने में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप कश्मीरी दम आलू बनाएं तो इसे ज़रूर यूज़ करें। इसके बिना सब्ज़ी जो है, सब्ज़ी में जो कलर नहीं आएगा, इससे जो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। और फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। जी हाँ, देखिए, गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले हम आलू को डीप फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डीप फ्राई करूँगी। जी हाँ, देखिए, तेल गर्म हो चुका है, हम सारे इसमें आलू धीरे धीरे करके इस तरह डाल देंगे। पहले मैंने गैस का फ्लेम जो हाई रखा था, मैंने मीडियम कर दिया है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे आलू को। देखिए, इसकी साइड चेंज करके हम इस तरह से सारे जो हैं इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे। जी, देखिए, ये सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी, देखिए, वापस वही कढ़ाई मैंने ले ली है, तेल थोड़ा इसमें कम कर दिया है, एक टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले इसमें मैं खड़े गरम मसाले डाल दूंगी। ये देखिए, हो चुके हैं, अब
अब इसमें मैं ये प्याज, अदरक और लहसुन तीनों चीजें डाल दूंगी। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका लूंगी थोड़ा, क्योंकि इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है, इसका जो है हमें पेस्ट बनाना है। 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसको भून लूंगी। देखिए अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे, इसको भी 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे। जी देखिए रेडी हो चुका है, इसे हम थोड़ा ठंडा कर ले के मिक्सी के जार में डाल के इसको हम इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। जी हाँ देखिए इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। जी हाँ देखिए दोबारा मैंने कढ़ाई रख दी है गैस ऑन करके, तेल देखिए गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, देखिए हम इसमें जीरा डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम जो बिल्कुल कम कर देंगे। अब ये जो हमारा पेस्ट था हमने बनाया, अब इसको हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे अच्छे से। कि काश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा हमारा ब्लेंडर में जो मसाला बच गया है इसमें थोड़ा मैंने पानी डाल के इसको भी इस तरह से डाल देंगे। जी देखिए इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच, मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे जो हैं वो पहले से पके हुए हैं, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे और इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे। जी देखिए दही भी अच्छे से पक चुका है। देखिए अब ग्रेवी के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिक ग्रेवी रखनी है, उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। इसको एक उबाल आने देंगे, फिर इसके में हम आलू ऐड करेंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब इसमें जो है हम सारे आलू इस तरह से ऐड कर देंगे। देखिए इसमें हम रोस्टेड किया हुआ जीरा डालेंगे, काली मिर्च डाल देंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी हाँ आलू में मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएं, इसीलिए हम इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जी हाँ देखिए काश्मीरी दम आलू बनके हमारे तैयार हैं। थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर देंगे। इस तरह से और इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे।
जी हाँ, देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म काश्मीरी दम आलू बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनती है। आप इसे नान, पराठे, सिंपल चपाती, बिरयानी या चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी दम आलू की रेसिपी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय।